Hello friends, I'm Sonali Jay Mehta. In this video tutorial, we are talking about your chapter number 13, Why Do We Fall Ill? In this particular video, we are talking about what is health, what is disease, and what are the different types of it, what are the causes of disease, what is antibiotics, which are the principles of the treatment and principle of prevention. तो ये चैप्टर में बेसिकली ये सारे टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ हेल्थ। हेल्थ किसे बोलेंगे? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग, ठीक है। इंडिविजुअल अगर फिजिकली, मेंटली और सोशली स्वस्थ होगा तो हम उसे बोल सकते हैं कि वो हेल्दी है, ठीक है। तो हेल्थ क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग well so that one can perform physically, socially and mentally, mental function properly, mentally, physically और socially हम सारे function को properly perform कर सके, अगर हम वो state में है तो हम healthy है, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। अगर person healthy होगा तो ही वो अपने daily tasks जो है वो ज्यादा अच्छी तरीके से fulfill कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे health के definition में हमें ये याद रखना होगा कि हेल्दी कब हम कह सकते हैं अपने आप को, जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होंगे तो ही हम ऐसा बोल सकते हैं कि वी आर हेल्दी, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हेल्थ, कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्थ कौन सी चीजों पे डिपेंड करती है, ठीक है। हेल्थ जो है वो पर्सनल है या फिर सोशल इश्यू है, ठीक है। हेल्थ जो होगा वो सिर्फ हमारे पर्सनल हैबिट से या पर्सनल फूड हैबिट से या हमारे डेली एक्टिविटी से रिलेटेड है, या फिर वो सोशल इश्यू है, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास की कम्युनिटी भी क्या हमारे हेल्थ पे अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, हेल्थ जो है वो हमारे अकेले की अचीवमेंट नहीं है, हमारे पूरी सोसाइटी या कम्युनिटी की अचीवमेंट है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म इन दिस वर्ल्ड डिपेंड अपॉन अनदर, वन अनदर और एनवायरनमेंट फॉर देयर बेटर हेल्थ, ठीक है। हम कितने भी हेल्दी हैं और हमारी डेली एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छे से फूड खा रहे हैं, मेंटली, सोशली, फिजिकली सब तरीके से बेहतर है, बट अगर हमारी कम्युनिटी ही हेल्दी नहीं है तो वो अल्टीमेटली हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा, राइट। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है, राइट। हम कितने भी हेल्दी, अगर हमारे आसपास की कम्युनिटी हेल्दी नहीं है तो वी कैन गेट इन्फेक्टेड। तो हेल्थ सिर्फ अकेले इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी नहीं है या इंडिविजुअल से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ आल्सो डिपेंडेंट ऑन अवर कम्युनिटी। तो कौन कौन से फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे उसके बारे में देखना है। देयर इज फैक्टर दैट डिटरमाइंस अवर बेटर हेल्थ। सबसे पहला है पब्लिक क्लीनलीनेस, जहाँ पे हम रहते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए, डिजीज फ्री होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी हार्मफुल डिजीज स्प्रेड करे वैसे ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए जो हमारे लिए अनहेल्दी या फिर डिजीज कंडीशन कॉज कर सके। तो पहला इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? पब्लिक क्लीनलीनेस। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज, अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दूसरा एस्पेक्ट है हमारा फूड हैबिट। हम किस तरीके का फूड खाते हैं वो भी हमारी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करने वाला है, ठीक है। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हमारी हेल्थ जो होगी वो अच्छी से रहेगी। अगर हम वी कैन हैव फूड ओनली इफ वी हैव मनी, अगर हमारे पास हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छा होगा। फूड भी हम कब अच्छा खा सकते हैं? अगर हमारा इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत अच्छा है तो वी कैन अफोर्ड द बेटर फूड, हम परचेज कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के वेजिटेबल्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, ये सब हम परचेज कर सकते हैं। अगर इकोनॉमिक कंडीशन, किसी का इकोनॉमिक कंडीशन ही बेहतर नहीं है तो वो अच्छी क्वालिटी का फूड अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा, और क्योंकि वो अच्छा फूड नहीं खाएगा तो उनकी जो हेल्थ होगी वो बेटर नहीं होगी, क्योंकि उनकी क्वालिटी ऑफ फूड इतनी बेहतरीन नहीं है, ठीक है, ओके। और थर्ड जो बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी लाइफ में कोई स्ट्रेस है, टेंशन है या वो फ्री ऑफ टेंशन है, वो देखना जरूरी है। बिकॉज स्ट्रेस कंडीशन में भले ही पर्सन कितना भी फिजिकली फिट हो, सोशली फिट हो, बट अगर वो मेंटली फिट नहीं होगा या स्ट्रेस होगा तो उनकी हेल्थ पे बेटर इम्पैक्ट
बढ़ेगा. तो पब्लिक क्लीनलीनेस, फूड, अवर सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन एंड अवर मेंटल स्ट्रेस कैन अफेक्ट अवर हेल्थ. नाउ व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री पर्सन. कैसे हम दो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल हेल्दी है या डिजीज फ्री है. ठीक है, हेल्दी और डिजीज फ्री में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, तो जैसे हेल्दी का हमने पढ़ा कि अगर कोई बंदा फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से डिजीज फ्री है, मतलब तीनों तरीके से फिजिकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई मेंटल स्ट्रेस है, ना ही कोई सोशल प्रॉब्लम्स है, तीनों तरीके से अगर कोई इंडिविजुअल पूरी तरीके से फिट है तो उन्हें हम बोलेंगे हेल्दी. ठीक है, और डिजीज फ्री किसे बोलेंगे, अगर इन्फेक्शन नहीं है और डिजीज नहीं है उसे हम बोलेंगे डिजीज फ्री. ठीक है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस में हो बट फिजिकली कोई इन्फेक्शन नहीं है और डिजीज के सिम्टम्स नहीं है तो हम उसे डिजीज फ्री बोल सकते हैं. ठीक है, अब हेल्दी जो है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट पे, पर डिजीज फ्री होना वो डिपेंड करता है सिर्फ इंडिविजुअल पे. ठीक है, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है, भले हम मेंटल स्ट्रेस में हो, हमारे आसपास सोशल कंडीशन कितनी भी वर्स हो, पर हमारे पास कोई डिजीज के सिम्टम्स नहीं है तो वी कैन से कि हम डिजीज फ्री है. भले हम हेल्दी नहीं है बट क्योंकि हमारे आसपास सिचुएशन सही नहीं चल रही है तो हम हेल्दी नहीं है, बट वी कैन डिजीज फ्री. ठीक है, तो जो इंडिविजुअल की गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ अच्छी होगी उसे हम हेल्दी बोलेंगे, और जो इंडिविजुअल की हेल्थ अच्छी है या बुरी है बट सिम्टम्स नहीं है, डिजीज नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे डिजीज फ्री. तो यहाँ पे एक सेंटेंस आपको नोट डाउन करना है कि हेल्दी पर्सन कैन ऑलवेज बी डिजीज फ्री. कोई भी हेल्दी पर्सन जो होगा वो हर वक्त डिजीज फ्री होगा, बट डिजीज फ्री पर्सन कैन और कैन नॉट बी हेल्दी. जो डिजीज फ्री बंदा है वो हेल्दी हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि डिजीज फ्री में हम सिर्फ सिम्टम्स को नोटिस करेंगे, बट हेल्दी होने के लिए फिजिकल तौर पे सिम्टम्स तो नहीं होने चाहिए, डिजीज तो नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ हमारा जो मेंटल एंड सोशल एनवायरनमेंट है वो भी सही होना चाहिए, तो ही हम हेल्दी कहे जा सकते हैं. ठीक है, फाइन. तो ये बात हो गई हेल्दी और डिजीज फ्री में डिफरेंस क्या है. 2 मार्क्स का डिफरेंस आपको कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है.